चीकू की मम्मी दौड़की के आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि यहाँ पे नुपुर इंतजार कर रही होती है मिलिन का, पर मिलिन अभी तक नहीं आए होते हैं और वो फोन करके भी पता करने की कोशिश करती है पर मिलिन फोन भी नहीं उठाते हैं। तभी ये बहुत देर तक इंतजार करती है तो यहाँ पे नुपुर को लगता है कि शायद अब वो नहीं आएंगे। तभी वो बच्चों के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों ने कितने मन से ये डांस डांस किया था और मेरे लिए सरप्राइज रखा था, पर मुझे यहाँ से जाना होगा, मैं आप लोगों का डांस नहीं देख पाऊंगी। तो यहाँ पे चीकू तो ये सुनने के बाद वो थोड़ा सा ये चौंक जाती है क्योंकि अगर वो डांस ही नहीं करेगी तो उसका प्लान ही सक्सेस नहीं होगा। तभी वो मना रही होती है कि प्लीज इतना मेहनत हम लोग ने डांस किया तो प्लीज आप एक बार देख लो ना, यहाँ पे बहुत रिक्वेस्ट कर रही होती है। तभी यहाँ पे जो जो निपुर है वो कहते हैं कि मुझे अभी तो जाना ही पड़ेगा। तभी यहाँ पे मिलिन आ जाते हैं और कहते हैं कि निपुर जब बच्चे इतने कह रहे हैं तो उनकी बात मान लो ना। यहाँ पे जब निपुर देखती है मिलिन को तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद जाकर कहते हैं कि मुझे लगा था आप नहीं आओगे लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आप आ रहे हो। तभी यहाँ पे ये दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं और यहाँ पे ये सारे बच्चे डांस करने लगते हैं। तो यहाँ पे इन लोगों का डांस परफॉर्मेंस होने लगता है और वहीं दूसरी तरफ जो रंगोली है वो इंतजार कर रही होती है कि चीकू और उसके दोस्त कब निकलेंगे। और यहाँ पे जो चीकू उन लोगों का डांस कंप्लीट हो जाता है तभी यहाँ पे वो फिर से वो चीज गिरा देती है जमीन पे जिससे धुआं आने लगती है। तो यहाँ पे ये लोग सबको कहते हैं कि चलो मेरे साथ, यहाँ से ये लोग निकल जाते हैं। तभी यहाँ पे जो नुपुर है वो कहती है कि सब लोग कहाँ गए, कुछ दिख नहीं रहा है। तभी यहाँ पे ये दोनों कहते हैं हो सकता है ये लोग इधर उधर ही कहीं गए हों। तभी यहाँ पे ये दोनों बातें कर रहे होते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम आए और यहाँ पे मेरा इन्हीं बच्चों लोग के साथ टाइम बीता है। यहाँ पे नुपुर ये सब कह रही होती है और जो मिलिन है वो कहते हैं कि तुम सही बोल रहे थे कि यहाँ पर आने के बाद बहुत अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लग रहा है। तभी यहाँ पे नुपुर कहती है कि आप यहाँ पे आए हो तो मम्मी पापा तो बहुत ज़्यादा गुस्सा किए होंगे। तभी यहाँ पे वो जो मिलिन है वो सोचने लगता है कि उसकी माँ ने उसे मना किया था जाने के लिए, पर यहाँ पे उसने ही अपनी माँ से रिक्वेस्ट किया कि वो चाहता है कि अपनी शादी को एक मौका तो दे, 13 साल का रिश्ता है, ये नहीं कि अच्छा कुछ भी हुआ तो तोड़ दूँ। तो यहाँ पे वो कह रहा था पर इसकी माँ इसे समझा रही होती है कि देखो वो नुपुर सही नहीं है, वो तुम उसकी वजह से तुम खुश नहीं रहोगे, मैं तुम्हारे लिए इस बोल रहा हूँ। पर यहाँ पे जो मिलिन है वो चाहता है कि अपनी अपनी शादी को एक मौका तो देना चाहिए। यहाँ पे वो अपनी माँ से भी इस चीज़ के लिए बहस कर लेता है, फिर यहाँ से वो आ जाता है तो वो यही सब सोच रहा होता है। तो इधर दिखाया जाता है कि ये सारे बच्चे उस दरवाजे के पास आ जाते हैं और यहाँ पे चीकू कह रही है कि हमें यहीं से जाना होगा और आंटी को सरप्राइज देना होगा। तभी वो सोचती है कि उसकी जो माँ रंगोली है उसने क्या कहा था, भूख पहले मारने के लिए कहा था या फिर दरवाजा खोलने के लिए, वो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। तो इसे लगता है कि शायद भूख के लिए ही गई होगी और यहाँ पे जो रंगोली है वो इंतजार कर रही होती है चीकू का इशारे का। तभी यहाँ पे चीकू जाते हैं और वो कुछ फूकों को मारती है जिसकी वजह से रंगोली को लगता है कि ये लोग बाहर आ चुके हैं। यहाँ पर रंगोली ने पहले उसे कहा था दरवाजा खुल जाएगा तभी ये फूक मारना, पर ये उल्टा कर लेती है। तभी यहाँ पे जैसे ही उसे सारा मिल जाता है रंगोली को तो वो हर एक जगह पेट्रोल वेट्रोल डाल देती है और आग भी लगा देती है। तभी यहाँ पे ये सारे बच्चे हैं जो जो चीकू है वो दरवाजा खुलती है, ताला खुलती है, फिर उसका जो लगा होता है वो भी निकालती है, पर ये दरवाजा खुल ही नहीं रहा होता है। तभी हम देखेंगे कि यहाँ पे नुपुर और मिलिन को ऐसा लगता है कि कुछ जलने की बू आ रही है, तो देखते हैं कि यहाँ पर अनाथालय में ही आग लग गई है। यहाँ पे सारे बच्चे को यहाँ से धीरे धीरे निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं और जो रंगोली है वो चीकू और अपने बच्चों को इंतजार कर रही होती है, पर वो लोग नहीं आए होते हैं। तभी इसका रूप आकर कहता है कि तुम दिखा देना कि तुम्हारे मन में क्या है बच्चों के लिए क्या नहीं, तो सिर्फ अपने बारे में सोचती है। तो यहाँ पे वो यही सारी बातें कह रही होती है और यहाँ पे चीकू और ये सारे बच्चे फंस गए होते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि आग भी लगा हुआ है, ये लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। यहाँ पे इधर के सारे बच्चे निकल जाते हैं और यहाँ पे जो चीकू और इसके दोस्त हैं ये लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और यहाँ पे भगवान से प्रे कर रहे होते हैं कि उसे उसे कोई बचाने वाला आ जाए। तभी यहाँ पे नुपुर और मिलिन ये दोनों इसके सामने आ जाते हैं और नुपुर ही कहती है कि तुम परेशान मत हो, हम लोग यहाँ से तुम्हें निकाल देंगे। तो बस हम आज के एपिसोड में यही सब देखने वाले हैं, तो मिस मत करना, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वीडियो कैसी लगी बताते रहना, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।